नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। शाहजहांपुर जिले के निगोही गन्ना किसानों ने बुधवार को डालमिया चीनी मिल गेट पर हंगामा कर दिया। इस दौरान किसानों ने गन्ने से भरी टालियां मिल के सामने रोड पर खड़ी की और वहीं बैठकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। नए गन्ना सर्वे के अनुसार फीडिंग नहीं कराए जाने और पर्चियां ना मिल पाने से क्षेत्र के किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसानों ने डालमिया चीनी मिल के गेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस बीच मिल प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे गन्ना किसानों की संख्या बढ़ने लगी और हंगामा खड़ा हो गया। मिल गेट के सामने ही रोड पर गन्ने से भरी ट्रालियों को खड़ा कर उन्होंने जाम लगा दिया और वे वहीं बैठ गए। अधिकारी ऑफिस बंद करके भाग निकले। किसानों ने ऑफिस में मेज कुर्सियां भी तोड़ डाली और सड़क पर जमकर हंगामा भी किया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। किसानों का कहना है कि नए गन्ना सर्वे के अनुसार फीडिंग कराकर उन्हें पर्चियां उपलब्ध कराई जाएं। चीनी मिलें बंद होने जा रही हैं, जबकि उनका गन्ना अभी खेतों में ही खड़ा है। जीएम के आश्वासन के 4 घंटे बाद किसानों ने जाम खोला और जाम खुलने के बाद मौके पर सीईओ बलदेव खनेड़ा, एसडीएम सत्यप्रिय सिंह पहुंचे। जो पर्ची नहीं आ रही, कह रहे जीएम साहब कह के गए हैं जो कैलेंडर में पर्ची है वो दे दी जाएगी। जिसका गन्ना खड़ा उसको पर्ची मिलनी चाहिए या खाली कैलेंडर देख, कैलेंडर में तो पर्ची है ही नहीं, पर्ची मिलनी चाहिए, गन्ना देखा जाए, सर्वे किया जाए। हाँ, गन्ना जिसका उसका खड़ा है उसकी पर्ची दे दीजिए। यही सुनवाई हो सर, सुपरवाइजर को उसको भेजा जाए, जिसका अस्कार का गन्ना खड़ा है उसको पर्ची दी जाए, देखा जाए किसका 2 ट्राली गन्ना है 4 ट्राली है उसको पर्ची दे दी जाए। जिसके पास में गन्ना है उस कैलेंडर में पर्ची होगी उसको देंगे, और जब कैलेंडर में पर्ची है ही नहीं तो मेरा गन्ना खड़ा है तो क्या करेंगे? एक एकड़ 2 पर्चियां देते हैं, बाकी ओवरवेट में भी काट लेते हैं या मेरी ओवरवेट हटा दे तब भी मेरा पड़ जाएगा गन्ना।